यादव डिंपल भाभी, अखिलेश यादव डिंपल भाभी। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, हमारे प्रत्याशी कमलेश कठेरिया जी, जितने भी हमारे किसान भाई आज यहाँ उपस्थित हैं, माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, आप सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सब आज यहाँ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होते जा रहा है और ये चुनाव देश की दिशा, आपके बच्चों के देश का भविष्य को तय करने वाला चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, तो मैं समझती हूँ जो विकास के कीर्तिमान समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्थापित किए थे, आज तक वैसे कीर्तिमान स्थापित नहीं हो पाए हैं। हाँ कर दो। जो भी पार्टी ने कीर्तिमान स्थापित करे थे, विकास को लेके, लोगों की शिक्षा को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, मैं समझती हूँ वैसा काम अब नहीं हो रहा है। और अब तो डबल इंजन वाली सरकार है, तो मैं समझती हूँ लोग बहुत ही नाराज हैं डबल इंजन की सरकार से और बहुत ही अपने आप को मायूस और बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सरकारें आई हैं केंद्र में और राज्य में जिन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब 5 साल खत्म हो गए हैं केंद्र की सरकार को और 2 साल खत्म हो गए हैं राज्य की सरकार को, तो कुल मिला के कितने साल हो गए? 7 साल हो गए हैं। तो इनके रिपोर्ट कार्ड का समय आ गया है कि नहीं आ गया है? रिपोर्ट कार्ड का समय आ गया है कि नहीं आ गया है? गठबंधन को सब गालियां दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? शराब कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सांप छिछुंदरों का गठबंधन है? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तो आज मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि यह गठबंधन गरीबों का गठबंधन है, युवाओं का गठबंधन है, किसानों का गठबंधन है, हमारे बेरोजगारों का गठबंधन है, पिछड़ों का गठबंधन है, दलितों का गठबंधन है और हमारी अल्पसंख्यक भाइयों का भी गठबंधन है। तो ये गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है और इस तरह की भाषा जो विरोधी लोग प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ एक बहुत ही छोटा काम कर रहे हैं ये लोग। और इनके पास अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास अपना काम बताने के लिए कुछ है कि नहीं है? तो रिपोर्ट कार्ड में आप बताइए कि रोजगार देने में ये लोग पास है कि फेल है? आपको नौकरियां देने में पास है कि फेल है? सरकारी नौकरी देने में ये लोग पास है कि फेल है? महिलाओं की सुरक्षा को लेके और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके जो समाजवादी पार्टी ने योजनाएं चलाई थी, चाहे वो लैपटॉप वितरण हो, चाहे वो हमारी गर्भवती महिलाओं को खाना खिलाने का वो हो काम किया हो, चाहे वो सब पेंशन देने का काम किया हो, 55 लाख पेंशन देने का जो काम समाजवादी पार्टी ने किया था, मैं समझती हूँ उसको भी बंद करने का काम इन सरकारों ने किया है। और जब केंद्र में गठबंधन की सरकार आएगी तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ सभी महिलाओं को कि हम लोग 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का काम हम अपनी महिलाओं को करेंगे। साथ में हम 102 एम्बुलेंस भी चलाएंगे जो विशेष महिलाओं के लिए और नवजात शिशुओं के लिए चलाई जाएगी। यह काम भी समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। और मैं समझती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज मौजूद है और ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे मैं अपील करती हूँ कि हमारे प्रत्याशी जो है कमलेश कठेरिया जी को ज्यादा से ज्यादा वोट जिता के जिताइएगा।
इनको जिताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह चुनाव देश का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है, आपके आने वाले बच्चों के भविष्य का भी चुनाव है। तो मेरी आपसे अपील, प्रार्थना कि आप हमारे प्रत्याशी को रिकॉर्ड तो मतों से जिताइए और आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे आ जाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।